ये स्टोरी है डीमन लॉर्ड वर्वेतोस की, जो इतना पावरफुल था कि सारी दुनिया उसके नाम से भी कांपती थी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो वर्वेतोस को चैलेंज कर सके या उसे हरा सके। पूरी दुनिया पे उसका राज था। मगर ये सब होने के बावजूद भी वर्वेतोस अपनी जिंदगी से काफी बोर था, क्योंकि उसे ये सब नहीं चाहिए था। वो बस इंसानों से दोस्ती करना चाहता था और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता था, क्योंकि सब लोग उससे इतना डरते थे कि कोई भी उससे दोस्ती करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर एक दिन वर्वेतोस रीबॉर्न होने यानी एक बार फिर से जन्म लेने का सोचता है, ताकि अगले जन्म में वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सके और दोस्त बना सके। फिर उसके बाद 2000 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक घर में आर्ड नाम के बच्चे की बर्थडे मनाई जा रही है, क्योंकि आज वो 10 साल का हो चुका है। असल में ये डीमन लॉर्ड वर्वेतोस का दूसरा जन्म है। आर्ड सोचता है कि मैं नए दोस्त बनाऊंगा जो मुझसे डरे नहीं और मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ लड़के खेलते दिखाई देते हैं। वो सोच है कि मुझसे ये बात क्यों नहीं कर रहे? क्या पिछले जन्म की तरह इस बार भी लोग मुझसे बात करते हुए डरेंगे? अब तो मैं एक आम इंसान हूँ। तभी उसे एक लड़का नोटिस करता है और उसकी आंखों में देखता है। आर्ड उसे काफी स्कैरी दिख रहा था, जिसे देख के वो सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आर्ड सोचता है कि ये क्यों चले गए। वो खुद से कहता है कि अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो मार्केट चला जाता है, लेकिन वहाँ लोगों को देख के वो नर्वस हो जाता है। तभी तीन लड़कियाँ उसके पास से गुजरती हैं, मगर वो उसे देख के डर जाती हैं और भागने लगती हैं। लेकिन आर्ड उन्हें रुकने को कहता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें आधी दुनिया का मालिक बना दूंगा। लेकिन वो लड़कियाँ उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती हैं। आर्ड बेबसी से जमीन पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड वर्वेतोस, जिसने बहुत से हीरोज और डीमंस को हराया है, मगर मैं फिर भी किसी को कभी अपना दोस्त नहीं बना सका, और यही आर्ड मिटियोर का ड्रीम था। अब आर्ड जंगल में जाकर अपना गुस्सा दरख्तों और पहाड़ों पे निकालता है। जब वो अपना गुस्सा निकाल लेता है तो उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम सर ओहिल्डे था। वो आर्ड से उसकी उदासी की वजह पूछता है तो आर्ड उसे बताता है कि कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। सर ओहिल्डे कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। आर्ड उसे पूछता है कि वो क्या तरीका है, तो ओहिल्डे उसे बताता है कि अगर तुम रहम दिल बनोगे और दूसरों की इज्जत करोगे तो कोई भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है। ओहिल्डे उसे अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है, लेकिन आर्ड उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से भाग जाता है और सबको जाके बताता है कि मेरा नाम आर्ड है और क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे। लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता, क्योंकि ये सब करके वो एक बेवकूफ दिख रहा था। अब वो दोबारा से अपना गुस्सा जंगल में जाके निकालता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो फौरन उड़ के वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक लड़की एक जंगली भेड़िए पे अटैक कर रही है। दरअसल वो लड़की ओहिल्डे की बेटी थी, उसका नाम आयरीना था और उसके पास कुछ मैजिकल स्पेल्स भी थे। वो भेड़िए पे अटैक करके उसे मार देती है और फिर जमीन पे बैठ के रोने लगती है। तभी उसे आर्ड दिखता है। आर्ड उसे भी अपना दोस्त बनने को कहता है, जिसे सुन के वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और जाकर अपने फादर के गले लग के रोने लगती है। तभी वहाँ पर आर्ड आ जाता है। वो ये देख के हैरान रह जाता है कि आयरीना ओहिल्डे की बेटी है। अब हर टाइम वो आयरीना को अपना दोस्त बनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन आयरीना उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करती। रात को आर्ड अपने कमरे में लेट के सोचता है कि वह ऐसा क्या करे कि आयरीना उसकी दोस्त बन जाए, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी किया था आयरीना ने उसे कोई घास नहीं डाली थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। वो घर से बाहर आके देखता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। उसके फादर उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। तभी वहाँ पर ओहिल्डे भी आ जाता है और बताता है कि आयरीना अभी भी माउंटेन्स में है। आर्ड ये सुन के परेशान हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं आयरीना को बचाने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से उड़ जाता है, जिसे देख के उसके फादर और ओहिल्डे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आर्ड की इस एबिलिटी को नहीं जानते थे। अब दूसरी तरफ आयरीना कुछ मॉन्स्टर्स की कैद में थी। वो मॉन्स्टर्स उसे कहते हैं कि क्या तुम किसी को भी अपनी हेल्प के लिए नहीं बुलाओगी। तभी आयरीना सोचती है कि कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता, और ये सोच के वो उदास हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर्स जैसे ही उस पर अटैक करने लगते हैं, आयरीना चीखती है, और तभी वहाँ पर आर्ड आके उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब उन मॉन्स्टर्स का लीडर बाकी मॉन्स्टर्स को आर्ड पर भी अटैक करने को कहता है, मगर आर्ड अपनी मैजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन सभी को उनके लीडर समेत ही मार देता है। दूसरी तरफ आर्ड की फैमिली और आयरीना के फादर आर्ड और आयरीना का वेट कर रहे थे। आयरीना आर्ड से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहती थी। तो आर्ड उसे बताता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो ऐसा नहीं है। आयरीना आर्ड से दोस्ती कर लेती है और इस तरह इस जन्म में लॉर्ड वर्वेतोस अब एक आम शख्स की तरह पैदा हुआ था और उसकी अब एक दोस्त भी बन गई थी, जिसका नाम आयरीना था। अब काफी सालों बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो वो दोनों एक मैजिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उस मैजिक स्कूल का प्रोफेसर, जिसका नाम गोल्डे था, उन्हें वेलकम करता है और कहता है कि तुम दोनों की बहादुरी के किस्से मैंने सुन रखे हैं, कि किस तरह तुमने मॉन्स्टर्स को मार भगाया था। तुम दोनों को प्रैक्टिकल एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, मगर हाँ, तुम्हें रिटन एग्जाम देना होगा। एग्जाम के बाद नोटिस बोर्ड पे आयरीना रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रही थी। अपना नाम
नाम नजर आने पे वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ आर्ट को अपना नाम नहीं नजर आ रहा था, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है कि कहीं वो फेल तो नहीं हो गया। मगर आइरीना को उसका नाम नजर आ जाता है, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि उसको मिलने वाले मार्क्स जीरो थे, यानी उसने कोई भी नंबर स्कोर नहीं किया था। वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने जीरो स्कोर किया है और उसने एग्जाम को फिर भी पास कर लिया है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर गोल्डे भी आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आर्ट उनसे पूछता है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मेरे मार्क्स जीरो हैं और फिर भी मेरा नाम लिस्ट में शामिल है। तो प्रोफेसर गोल्डे उसे बताते हैं कि तुम्हारे आंसर्स बहुत जीनियस थे, मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक तो तुम्हारे सारे आंसर्स गलत थे, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारे जैसे जीनियस आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिए थे। प्रोफेसर गोल्डे ऊंची आवाज में सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आर्ट के पेरेंट्स ने बहुत साल पहले एक मॉन्स्टर को मार के हमारी सिटी को बचाया था और आर्ट हमारे उन्हीं हीरोज का बेटा है। ये सब सुन के हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजे के पीछे एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी सिर्फ बॉडी दिख रही थी और चेहरा नहीं दिख रहा था। वो भी प्रोफेसर गोल्डे की सब बातें सुन रही थी। अब क्लास स्टार्ट हो जाती है। आर्ट और आइरीना जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं तो सभी स्टूडेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। वो सभी उनके दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन एक साइड पर दो स्टूडेंट्स उनके बारे में अजीब अजीब बातें भी कर रहे थे और एक कोने में एक और स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ एक पिंक बालों वाली लड़की को तंग कर रहा था। तभी आइरीना उस लड़के को रोकती है। वो लड़का आइरीना को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सर ओहिल्टे की बेटी हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में भी सुना होगा। मेरा नाम स्पेंसर है और ये लड़की जिसे तुम बचाना चाहती हो मेरी सर्वेंट है। आर्ट उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, तुम फौरन उससे माफी मांगो। जिस पर स्पेंसर और उसके दोस्त आर्ट का मजाक उड़ाते हैं। स्पेंसर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक मुकाबले में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। आइरीना आर्ट को बताती है कि ये बहुत ही पावरफुल है और इसके पास बहुत पावरफुल मैजिक टेक्निक्स हैं। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि वहाँ पर वही लड़की दिखती है जो ग्राउंड में प्रोफेसर गोल्डे की बातें सुन रही थी। वो उनकी क्लास टीचर थी, उसका नाम लेडी ओलिविया था और वो पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड वर्वेतोस यानी आर्ट की आर्मी लीडर थी। आर्ट उसे देख के परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो डीमन लॉर्ड है। आर्ट काफी नर्वस था। वो लेडी ओलिविया को कहता है कि आज भी आप अच्छी दिख रही हैं। लेडी ओलिविया उसे कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, हम तो पहली दफा मिल रहे हैं। लेडी ओलिविया आर्ट को स्पेंसर से फाइट करने को कहती है, क्योंकि वो आर्ट की पावर को देखना चाहती थी। अब मुकाबला शुरू होता है। आर्ट काफी परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेडी ओलिविया को उसकी असल पावर का पता चले। सब स्टूडेंट्स स्पेंसर को काफी पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन स्पेंसर जैसे ही अपना पहला अटैक करता है तो आर्ट उसे आसानी से डॉच कर लेता है। ये देख स्पेंसर काफी अग्रेसिव होता है और गीगा फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देख के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन आर्ट समझ गया था कि ये गीगा फ्लेयर टेक्निक नहीं है, बल्कि नॉर्मल फ्लेयर्स को ही झूठ बोल के इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इस टेक्निक में भी स्पेंसर को हरा देता है। अब आर्ट असल में गीगा फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे स्पेंसर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। स्पेंसर हारने लगता है और फौरन आर्ट से माफी मांगता है, जिस पे आर्ट उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम अब समझे कि असल गीगा फ्लेयर टेक्निक किसे कहते हैं। आइरीना आर्ट की तारीफ करती है और उस पिंक पालों वाली लड़की से कहती है कि अगर तुम्हें स्पेंसर ने फिर तंग किया तो तुम मुझे या आर्ट को बता सकती हो, जिसपे वो लड़की उन्हें थैंक्स कहती है। तभी वहाँ लेडी ओलिविया भी आ जाती है। वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि आर्ट ने डबल मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जो कि मॉडर्न टाइम में पॉसिबल नहीं। वो आर्ट से पूछती है कि तुमने किस तरह दो टेक्निक्स को एक ही टाइम में यूज किया है। ये सुन के आर्ट नर्वस हो जाता है कि कहीं लेडी ओलिविया को उसका राज ही न पता चल जाए। अब लेडी ओलिविया उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के तीन ग्रुप्स बनने थे और हर कोई आर्ट का ग्रुप मेंबर बनना चाहता था, लेकिन आइरीना उस पिंक बालों वाली लड़की को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी। आइरीना उसके पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। उस पिंक बालों वाली लड़की का नाम जेनी था। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेडी ओलिविया बताती है कि तुम सबको एक ब्लैक वुल्फ को मारना होगा और उसकी स्किन उतार के लानी होगी। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन लेडी ओलिविया आर्ट को इस मिशन को कम्प्लीट करने को कहती है। आर्ट जेनी और आइरीना के साथ उस वुल्फ को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब उन्हें जैसे ही ब्लैक वुल्फ दिखाई देता है तो आर्ट और आइरीना बहुत आसानी से उसे मार देते हैं, लेकिन वुल्फ की स्किन भी आर्ट के पावरफुल अटैक की वजह से जल गई थी। जेनी ये देख के हैरान हो जाती है। आर्ट जेनी से कहता है कि क्या तुम ये मैजिक टेक्निक सीखना चाहोगी। ये सुन के जेनी नर्वस हो जाती है। आइरीना उसे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, आज से हम दोस्त हैं। आर्ट उसे एक मैजिक टेक्निक सिखाता है, लेकिन जेनी वो मैजिक टेक्निक नहीं सीख पाती। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह स्पेंसर और उसके दोस्त जेनी को बुली किया करते थे और उसे परेशान किया करते थे। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है। आर्ट सीक्रेट मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। वो जेनी और आइरीना को बताता है कि ये टेक्निक मैंने खुद बनाई है, जिसे देख के जेनी और आइरीना हैरान हो जाती है कि कोई मैजिक टेक्निक को खुद कैसे बना सकता है। अब जेनी भी ये टेक्निक यूज करती है और वो काफी खुश होती है, लेकिन तभी जेनी आर्ट और आइरीना एक गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल वो बॉटम फ्लोर था और उस बॉटम फ्लोर का बॉस एक डीमन काउ था। अब आर्ट जेनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ मैजिक लेसन देता हूँ, लेकिन तभी वो डीमन काउ अपने हैमर से आर्ट पे अटैक कर देता है, लेकिन आर्ट उसके हैमर
हैमर अटैक को अपनी फिंगर से रोक लेता है। हार्ट काउ के हैमर को अपनी उंगली से रोकता है तो जेनी को साथ साथ मैजिक लेसन भी देता है। अब वो जेनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस डीमन काउ को फाइनल हिट तुम करो। तभी जेनी को उसका पास्ट याद आता है कि किस तरह उसे सब मिलकर बुली किया करते थे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। लेकिन आर्ट की बातें उसे मोटिवेट करती है और वो सीक्रेट मैजिक टेक्निक का एक जबरदस्त स्पेल यूज करके उस डीमन काउ को आसानी से मार देती है, जिसपे आर्ट और आइरीना जेनी को शाबाश देते हैं। अब वो तीनों उस काउ के हॉर्न्स लेडी ओलिविया के पास लाते हैं। तभी स्पेंसर उन तीनों के बारे में फिर से बातें करने लगता है, जिस पे जेनी को गुस्सा आता है। वो स्पेंसर को बहुत बुरी तरह हिट करती है और कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम आर्ट और आइरीना के बारे में कोई बकवास करो, और कहती है कि मैं आर्ट और आइरीना के बारे में कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। स्पेंसर वहां से चीखते हुए भाग जाता है। अब जेनी और आइरीना एक दूसरे के साथ खुशी से हंसने लगती हैं। उनकी दोस्ती को देख के आर्ट भी खुश होता है, क्योंकि अच्छे दोस्त बनाना ही उसका ड्रीम था। प्रोफेसर गोल्डे आर्ट से एक बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट करता है, ताकि वो क्वीन से कॉलेज के लिए फंड्स ले सके, जिस पे आर्ट कहता है कि मुझे अफसोस है कि आप मुझे अपने फंड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रोफेसर गोल्डे उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इस कॉलेज के अच्छे फ्यूचर का सोच रहा हूं। जिस पे आर्ट एक सेकंड के लिए चुप होता है और फिर कहता है कि ठीक है प्रोफेसर गोल्डे, मेरा ये बिलीफ है कि हमें मैजिक के जरिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये बात सुन के लेडी ओलिविया उसके पास जाती है और कहती है कि ऐसा ही कुछ पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड वर्वेतोस ने भी कहा था, लेकिन फिर वो हमें बताए बगैर चला गया। मैं तब भी उससे नहीं पूछ सकी थी, लेकिन मैं अब ये पता लगा लूंगी कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है और तुम असल में कौन हो। ये सुन के आर्ट कंफ्यूज होता है और वो प्रोफेसर गोल्डे से कुछ वक्त मांग के वहाँ से फौरन भाग जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें इनकार करूंगा तो मुझे ये कॉलेज से निकाल देंगे और इस तरह मैं आइरीना से दूर हो जाऊंगा। तभी वहाँ जेनी भी आ जाती है और आर्ट को अपने साथ डेट पे चलने को कहती है, जिसमें आर्ट हैरान होता है क्योंकि वो तो आइरीना से प्यार करता था, लेकिन जेनी उसे मना ही लेती है। तभी वहाँ आइरीना भी आ जाती है और वो भी उनके साथ चलने को कहती है। अब वो तीनों डेट पे जाते हैं। जेनी और आइरीना को इस तरह साथ खुश देख के आर्ट भी खुश था। वो तीनों एक थिएटर में डीमन लॉर्ड वर्वेतोस की लाइफ पे एक ड्रामा भी देखते हैं। अब आर्ट, जेनी और आइरीना एक गली के बाहर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। दरअसल वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स क्वीन को किडनैप करने के बारे में प्लान बना रहे थे। वो मॉन्स्टर्स एक होल से जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये तीनों भी उनका पीछा करते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। वो तीनों ये मैजिक सर्कल देख ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें कैद कर लिया है। आर्ट उन मॉन्स्टर्स से उनका प्लान पूछता है। वो मॉन्स्टर्स आर्ट को फायर मैजिक से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर मैजिक आर्ट पे बिल्कुल भी असर नहीं करता, जिसको देख के उन मॉन्स्टर्स के लीडर को काफी गुस्सा आता है। अब वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी आर्ट पे अटैक करने को कहता है, लेकिन आर्ट उन सभी को अपने मैजिक स्पेल से मार देता है और उनका मैजिक सर्कल भी तबाह कर देता है। ये देख के मॉन्स्टर्स का लीडर एग्रेसिव हो जाता है और एक डीमन के रूप में आ जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। अरीना और जेनी सोचती हैं कि अब तो इसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि हम में से तो कोई भी नहीं उड़ सकता, लेकिन आर्ट उड़ सकता था। अब वो डीमन को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन बाहर आकर फौरन एक बच्ची को पकड़ लेता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आर्ट अपने मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस बच्ची को डीमन से बचा लेता है और बेबल टेक्निक से उस डीमन पे अटैक करके उसे मार देता है। अब वो जैसे ही जमीन पे आता है तो सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने उन सभी की एक डीमन से जान बचाई थी। अब इस इंसिडेंट के बाद क्वीन आर्ट, जेनी और आइरीना को अपने महल बुलाती है। क्वीन उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। वो आर्ट को इनाम देना चाहती थी। वो आर्ट को कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद आए, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सब सुन के आइरीना को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहती है कि आर्ट सिर्फ मेरा है, लेकिन क्वीन तो जोक कर रही थी। वो आर्ट को पेंटागन क्लास मैजिशियन का रैंक दे देती है। ये सब सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं कि क्वीन एक आम शख्स को कैसे एक हाई रैंक पोजीशन दे सकती है। आर्ट क्वीन से कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे कॉलेज का बजट बढ़ा दें। क्वीन ये सुन के आर्ट से और भी इम्प्रेस होती है। अब सभी लोग क्वीन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्वीन आर्ट, आइरीना और जेनी को अपनी स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने का भी कहती है। प्रोफेसर गोल्डे एक टीचर जेसिका को बताते हैं कि आर्ट बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जेसिका प्रोफेसर गोल्डे को बताती है कि क्वीन हमारे कॉलेज को फंड्स देंगी। प्रोफेसर गोल्डे कहता है कि असल में मैं चाहता हूँ कि आर्ट इस कॉलेज में एज अ टीचर काम करे, लेकिन कॉलेज के नोबल्स नहीं चाहते कि एक आम शख्स इस कॉलेज में टीचर बने। जेसिका प्रोफेसर गोल्डे को यकीन दिलाती है कि वो ये मसला हल कर देगी। दूसरी तरफ आर्ट अपने रूम में लेटा आइरीना के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आज कॉलेज में आइरीना ने उसे एक लड़की के साथ बात करते देख लिया था और वो उससे नाराज थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। वो आर्ट से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ आइरीना सोचती है कि उसे भी आर्ट से बात करनी चाहिए। वो आर्ट के रूम में जाती है और वहाँ जेनी को देख के आर्ट पे
और नाराज हो जाती है। अब जेनी और आइरीना एक दूसरे के साथ शर्त लगाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगी और जो भी वो फाइट जीतेगा आर्ड उसी का होगा। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है। वो आर्ट को बताती है कि तुम्हें प्रोफेसर गोल्डे इस कॉलेज में टीचर बनाना चाहते हैं। आर्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, जिस पर जेसिका आइरीना और जेनी से कहती है कि अगर ये दोनों उस फाइट को जीत लेंगी तो फिर तुम्हें प्रोफेसर गोल्डे की बात मानना होगी। जेसिका की बात को आइरीना और जेनी फौरन मान लेती है क्योंकि वो दोनों चाहती थी कि आर्ट टीचर बने, मगर आर्ट परेशान हो गया था क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता था। बैटल इवेंट का दिन आ जाता है। उस इवेंट में बहुत से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पर आर्ट के पेरेंट्स और सर उहिल्डे भी आए हुए थे। अब आइरीना अपनी फाइट का फर्स्ट राउंड आर्ट के बताए हुए सीक्रेट मैजिक के जरिए आसानी से जीत लेती है। दूसरी तरफ जेनी भी अपनी पहली फाइट जीत कर अगले राउंड में चली जाती है। वो दोनों बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को हरा कर फाइनल राउंड तक पहुंच गई थी। उनके दरमियान फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी तभी डीमंस वहां पे अटैक कर देते हैं और तबाही फैलाने लगते हैं। जेसिका आर्ड और लेडी ओलिविया को डीमंस को मारने का कहती है। दूसरी तरफ आर्ट के पेरेंट्स और सर उहिल्डे भी डीमंस को मारने लगते हैं। जेनी और आइरीना भी खुद को डीमंस से बचा रही थी। तभी वहाँ पर एक जॉइंट मॉन्स्टर उन पे अटैक करने के लिए आता है। वो उन पे अटैक करने ही वाला था कि उहिल्डे उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसको देख के आइरीना और जेनी काफी खुश होती है। तभी कोई अचानक पीछे से सर उहिल्डे पे अटैक करता है, जिससे सर उहिल्डे बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पे गिर जाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कोई सर उहिल्डे पे अटैक करता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर आइरीना और जेनी शॉक्ड हो जाती हैं। आइरीना जैसे ही दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ प्रोफेसर जेसिका खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। प्रोफेसर जेसिका उन्हें बताती है कि मैं एक ड्रैगन क्वीन एलजेड हूँ और मैंने ही सर उहिल्डे को मारा है क्योंकि मैं आइरीना को किडनैप करना चाहती हूँ। ये देखकर जेनी फौरन ड्रैगन क्वीन पे अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन क्वीन आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देती है और जेनी को दूर फेंकती है। अब आइरीना ड्रैगन क्वीन पे अटैक करके उसे वार्न करती है कि जेनी से दूर रहो, लेकिन ड्रैगन क्वीन उसके अटैक को भी आसानी से डॉज करके उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब कुछ समय बाद सर उहिल्डे को जैसे ही होश आता है तो आर्ट सर उहिल्डे से आइरीना के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि आइरीना को ड्रैगन क्वीन ने किडनैप कर लिया है। वहाँ पर प्रोफेसर गोल्डे भी मौजूद थे। वो सबको बताते हैं कि ड्रैगन क्वीन ने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और उससे लड़ना नामुमकिन है। आर्ट उन्हें कहता है कि कुछ भी हो मैं आइरीना को बचा कर लाऊंगा। तभी सर उहिल्डे कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। वो उन्हें रॉयल ट्रेजरी के पास लेकर जाते हैं। वो आर्ट को काफी ज्यादा पैसे देते हैं और आर्ट से कहते हैं कि तुम कोई भी सवाल पूछे बगैर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तभी आर्ट का फादर सर उहिल्डे से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। सर उहिल्डे उसे कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। आर्ट मेरी बेटी का एक ही दोस्त है और मैं उससे वो दोस्त नहीं छीनना चाहता। आर्ट का फादर सर उहिल्डे से पूछता है कि तुम आर्ट को सब सच क्यों नहीं बताते, जिस पर सर उहिल्डे उसे कहता है कि आर्ट को सच बताने की मुझमें हिम्मत नहीं। तभी हमें वो समय दिखाया जाता है जब आर्ट और आइरीना ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आर्ट आइरीना से पूछता है कि तुम मुझे अपने बारे में सब सच सच बताओ, लेकिन आइरीना को लगता था कि अगर उसने सच बताया तो आर्ट उससे दोस्ती नहीं करेगा। दरअसल आइरीना एक ड्रीम देख रही थी। अब आइरीना जैसे ही इर्द गिर्द देखती है तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन क्वीन उसे बांध के एक रिचुअल करना चाहती है। ड्रैगन क्वीन बताती है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए ताकि मैं एक मॉन्स्टर को जिंदा कर सकूं, जिसे हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड वर्वेतोस ने मारा था, क्योंकि ये मॉन्स्टर तुम्हारी ही ब्लड लाइन से बनाया गया है। ये सुन के आइरीना घबरा जाती है और ड्रैगन क्वीन को कहती है कि आर्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जिस पर ड्रैगन क्वीन आइरीना का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया से प्यार मोहब्बत और दोस्ती को खत्म करना चाहती हूँ। आर्ट ने अगर तुम्हें बचा भी लिया तो भी मैं आर्ट को सब कुछ सच बता दूंगी और वो तुम जैसी मॉन्स्टर से नफरत करेगा क्योंकि तुम एक इविल गॉड हो। दूसरी तरफ आर्ट आइरीना को बचाने के लिए आ ही रहा था, तभी जेनी उसे रोकती है और उसके साथ चलने को कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि जब हर कोई उसे बुली करता था और परेशान करता था तो सिर्फ आर्ट और आइरीना ने ही उसकी हेल्प की थी और उसे अपना फ्रेंड बनाया था, इसलिए अब वो आइरीना की हेल्प करना चाहती थी। लेकिन आर्ट उसे कहता है कि हम रात के डिनर से पहले वापस आ जाएंगे तो तुम हम तीनों के लिए एक अच्छा सा डिनर बना के रखना। ये कहते ही आर्ट वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ ड्रैगन क्वीन रिचुअल स्टार्ट करती है और वो मॉन्स्टर आइरीना को खाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही आइरीना को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो तभी आर्ट उस पे अटैक करके उसे जला देता है और ड्रैगन क्वीन और सभी मॉन्स्टर्स को कहता है कि मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा और नाइन कास्ट टेक्निक से अटैक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और आइरीना को भी छुड़वा लेता है। अब आइरीना आर्ट के गले लग के रोने लगती है। ड्रैगन क्वीन ये देख के काफी अग्रेसिव हो जाती है। आर्ट आइरीना को कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इस ड्रैगन
क्वीन को मार दूंगा, जिसपे ड्रैगन क्वीन आर्ट को बताती है कि आइरीना एक मॉन्स्टर और एविल गॉड है और आइरीना का असल नाम लिवाइल है। दूसरी तरफ सारोहिल्डे आर्ट के फादर को बताता है कि डीमन लॉर्ड की वजह से सभी लोग एविल गॉड से नफरत करने लग गए थे और अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं और आइरीना एविल गॉड्स हैं तो लोग हम पे बहुत गुस्सा करते, इसीलिए मैं क्वीन के जरिए इस पूरी स्टेट को संभालता हूँ क्योंकि मुझे और आइरीना को अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है ताकि लोगों को पता न चल सके कि हम ही एविल गॉड्स हैं। अगर आर्ट को पता चल गया कि ये कंट्री हमारा है तो वो आइरीना से दोस्ती तोड़ देगा। अब सारी सच्चाई जानने के बाद आर्ट ड्रैगन क्वीन को कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आइरीना एविल गॉड है, आइरीना तो बहुत काइंड हार्टेड और ब्रेव है और मैं उसे हमेशा अपनी दोस्त रखूंगा, लेकिन तुमने अभी आइरीना के बारे में जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ड्रैगन क्वीन आर्ट पे अटैक करती है जिसे आर्ट आसानी से अपनी स्टिक से रोक लेता है। ये देख के ड्रैगन क्वीन हैरान होती है, जिस पर आर्ट उसे बताता है कि मैं अपनी स्टिक से किसी भी अटैक को आसानी से रोक सकता हूँ। ये सुन के ड्रैगन क्वीन को गुस्सा आता है और वो आर्ट पे दूसरा अटैक करती है और आर्ट उस अटैक को भी आसानी से डॉच कर देता है। अब आर्ट ड्रैगन क्वीन पे अपनी स्टिक से अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। आइरीना को लगता है कि आर्ट ने ड्रैगन क्वीन को मार दिया है, जिस पर आर्ट उसे वेट करने को कहता है। तभी ड्रैगन क्वीन अपने असली रूप में आके काफी अग्रेसिव हो जाती है और आर्ट पर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिसे आर्ट अपनी शील्ड के थ्रू आसानी से रोक लेता है। वो आइरीना को अपनी आंखें बंद करने को कहता है, लेकिन आइरीना ऐसा नहीं करती। अब आर्ट अपनी स्वर्ड लिडिया को एक्टिवेट करता है। लिडिया वही लड़की थी जो एक रूम में सोई हुई थी और आर्ट उसे देख के उदास हो गया था। वो सोचता है कि हजारों साल पहले मुझे सबने छोड़ दिया था और मैं एक होपलेस डीमन लॉर्ड था। आइरीना लिडिया को देख के हैरान होती है। अब आर्ट जैसे ही लिडिया को पकड़ता है तो एक जबरदस्त रोशनी आसमान की तरफ जाती है, जिसे देख के ड्रैगन क्वीन भी हैरान हो जाती है। आर्ट लिडिया से डांस करने को कहता है, तभी लिडिया एक स्वर्ड में चेंज हो जाती है। अब आर्ट अपनी स्वर्ड के साथ ड्रैगन क्वीन का पीछा करता है और उसके सभी अटैक्स को डॉच करके काउंटर अटैक करता है। ये सब देख के ड्रैगन क्वीन और अग्रेसिव हो जाती है। वो आर्ट को कहती है कि आइरीना जैसी मॉन्स्टर तुम जैसे डीमन लॉर्ड के साथ कभी दोस्ती नहीं करेगी और एक दिन तुम्हें धोखा दे देगी। ये सुन के आर्ट परेशान हो जाता है। अब ड्रैगन क्वीन उस पे अटैक करने ही वाली थी, मगर तभी आइरीना आर्ट को आवाज देती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुन के आर्ट को काफी मोटिवेशन मिलती है। अब आर्ट अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और वहाँ अब आर्ट नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड वर्वेतोस था, जो कि बहुत पावरफुल था। ये देख के ड्रैगन क्वीन फौरन उस पे अटैक कर देती है, मगर डीमन लॉर्ड उसका अटैक डॉच करता है और उसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी आइरीना के साथ किया मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। डीमन लॉर्ड जीरो टेक्निक के 100 लेवल्स को एक्टिवेट करके ड्रैगन क्वीन पे फाइनल अटैक करता है, जिससे ड्रैगन क्वीन मर जाती है। डीमन लॉर्ड लिडिया को थैंक्स कहता है और उसे अपनी सोल में वापस जाने को कहता है, जिसके बाद डीमन लॉर्ड दोबारा से आर्ट के रूप में वापस आ जाता है और आइरीना से पूछता है कि क्या हम अब भी दोस्त हैं, जिस पर आइरीना डीमन लॉर्ड यानी आर्ट को कहती है कि हाँ हम अब भी दोस्त हैं और सोचती है कि मेरा सीक्रेट मालूम होने पर भी आर्ट ने मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ी, इसलिए मुझे अब और स्ट्रांग होना होगा। अब एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी स्वर्ड से एक मॉन्स्टर को पहले ही अटैक में काफी आसानी से मार लेती है। दरअसल वो लिडिया की छोटी बहन थी और उसका नाम सिल्फी था। वो 3 साल एक अंडरग्राउंड होल में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही थी। मॉन्स्टर को मारने के बाद वो सोचती है कि उसे अब वापस जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है तो एक नया वर्ड देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब कुछ बहुत बदल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचती है कि एविल गॉड्स के साथ वॉर कब खत्म हुई। तभी एक मास्क मैन उसे बताता है कि तुम 3,000 साल बाद की दुनिया में वापस आई हो। सिल्फी ये सुन के हैरान होती है। मास्क मैन कहता है कि जमीन के नीचे टाइम स्लोली आगे बढ़ता है, जिस पर सिल्फी उसे कहती है कि हाँ हाँ मुझे सब पता है। सिल्फी मास्क मैन से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो मास्क मैन उसे बताता है कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं और मैं डीमन लॉर्ड वर्वेतोस और लिडिया का सर्वेंट हूँ। ये सुन के सिल्फी हैरान होती है और पूछती है कि क्या डीमन लॉर्ड अब भी जिंदा है, जिस पर वो उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड मर चुका है, लेकिन वो इस दुनिया में किसी और रूप में मौजूद है और अब उसका नाम आर्ड मिट्योर है। और अगर तुम अपनी बहन लिडिया के बारे में जानना चाहती हो तो ये सब तुम्हें आर्ड ही बता सकता है। दूसरी तरफ कॉलेज में प्रोफेसर गोल्डे आर्ट को बताता है कि 1 महीने बाद कॉलेज में फेस्टिवल है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें परफॉर्म करो, क्योंकि इस साल हमारे कॉलेज की 100 ईयर्स एनिवर्सरी है, इसलिए हम स्वर्ड बैटल इवेंट के साथ एक प्ले भी दिखाएंगे। अगर तुम बैटल इवेंट में परफॉर्म नहीं
भी करोगे तो चलेगा, लेकिन तुम उस प्ले में जरूर एक्ट करो, जिस पर आर्ट आइरीना और जेनी से पूछता है। वो दोनों एग्री थी। प्रोफेसर गोल्डे ने बताता है कि इस वक्त पूरा सिटी आर्ट की तारीफ कर रहा है, इसलिए पैसे कमाने का ये अच्छा मौका है। प्रोफेसर गोल्डे ने बताता है कि मैं तुम्हें एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। आर्ट वो लेटर पढ़ता है जिसमें स्कूल फेस्टिवल को कैंसिल करने की धमकी दी गई थी। आर्ट उन्हें बताता है कि ये ह्यूमन स्किन पे लिखा गया लेटर है और ये लार्स अलगोल ने भेजा है। ये सुन के आइरीना हैरान होती है, क्योंकि ये वही शख्स था जिसकी धमकी ड्रैगन क्वीन ने भी दी थी। प्रोफेसर गोल्डे आर्ट को कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस शो में पार्टिसिपेट करो, ताकि तुम पूरे स्कूल को इस थ्रेट से सेव कर सको, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो किसी भी स्टूडेंट के पास तुम्हारे जैसी पावर नहीं। आइरीना प्रोफेसर गोल्डे से एग्री करती है और कहती है कि हम इस शो में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, जिस पर आर्ट आइरीना को कहता है कि मैं तुम दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब आर्ट प्रोफेसर गोल्डे से कहता है कि मुझे स्कूल की हिफाजत के लिए और भी स्टूडेंट्स चाहिए। प्रोफेसर गोल्डे उसे बताते हैं कि लेडी ओलिविया बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले रही है, ताकि वो एक पूरी टीम तैयार कर सके। ये सुन के आर्ट शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि लेडी ओलिविया उसके खिलाफ कोई प्लान बना रही होगी, ताकि वो डीमन लॉर्ड बर्वेतोस के बारे में जान सके। अब जेनी और आइरीना क्लास में बैठी थी और परफॉर्मेंस को सोच के एक्साइटेड हो रही थी। तभी सिल्फी आर्ट का नाम चिल्लाते हुए वहाँ आती है और सभी से आर्ट के बारे में पूछती है। आर्ट सिल्फी को देख के हैरान होता है। तभी वहाँ लेडी ओलिविया आके सिल्फी को हिट करती है और कहती है कि तुम 3000 साल बाद भी नहीं बदली। अब सिल्फी आर्ट मेटियोर को कहती है कि तुम ही असल में डीमन लॉर्ड बर्वेतोस हो। वो उससे लिडिया और इविल गॉड्स के बारे में पूछती है। आर्ट सिल्फी को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वो सोचता है कि सिल्फी को कैसे मालूम हुआ कि मैं डीमन लॉर्ड बर्वेतोस हूँ। आर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ लेडी ओलिविया भी सिल्फी से आर्ट मेटियोर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अब सिल्फी दोबारा आर्ट से बात करने लगती है। तभी आइरीना वहाँ आ जाती है और सिल्फी से कहती है कि तुम आर्ट पे इस तरह नहीं चिल्ला सकती। अगर तुम आर्ट के साथ फाइट करना चाहती हो तो आर्ट की जगह मैं तुमसे लड़ूंगी। सिल्फी को ऐसा लगता है कि यह सब उससे आइरीना नहीं बल्कि उसकी बिग सिस्टर लिडिया कह रही है, क्योंकि आइरीना लिडिया जैसी दिखती थी। आइरीना उसे बताती है कि मैं आर्ट की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरे अलावा आर्ट का कोई दोस्त नहीं। सिल्फी आइरीना से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन आइरीना इनकार कर देती है। इस पर सिल्फी उसे कहती है तो फिर हमें फाइट लड़नी ही होगी। ये सुन के लेडी ओलिविया मुस्कुराती है, क्योंकि वो आर्ट की असल पावर देखना चाहती थी, जिस पर आर्ट फौरन से घबरा जाता है। सिल्फी आर्ट से कहती है कि क्या हुआ, लगता है तुम पहले की तरह घबरा गए। लेडी ओलिविया उसे कहती है कि क्या तुम इसे भी स्पेंसर की तरह सबक नहीं सिखाओगे। आर्ट लेडी ओलिविया और सिल्फी की प्लानिंग को समझ गया था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि इस तरह सबको पता चल जाता कि वही डीमन लॉर्ड वर्वेतोस है। वो सिल्फी के साथ फाइट के लिए मान जाता है। अब एक ग्राउंड में सिल्फी और आर्ट की फाइट स्टार्ट होती है। आइरीना आर्ट को कहती है कि तुम इसे 3 सेकंड में हरा सकते हो। ये सुन के सिल्फी को गुस्सा आता है और वो फौरन से आर्ट पे एक जबरदस्त अटैक करती है। आर्ट खुद को रोकता है ताकि वो अपनी पावर शो न कर सके, लेकिन सिल्फी के अटैक बहुत फास्ट थे, जिसको रोकने के लिए आर्ट को भी अपनी पावर शो करनी पड़ रही थी। हाई लेवल फाइट देख के सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। आर्ट फौरन से खुद को रोकता है, लेकिन सिल्फी उस पे दोबारा से अटैक कर देती है। आर्ट सोचता है कि अब मैं एक छोटा सा अटैक करूंगा और हार जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसे सिल्फी के अटैक पर काउंटर अटैक करना ही पड़ता है, जिससे सिल्फी दूर जाके गिरती है और आर्ट ये फाइट जीत जाता है। मगर सिल्फी इस जीत को एक्सेप्ट नहीं करती और अपनी मैजिक टेक्निक से आर्ट पर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिससे खुद को बचाने के लिए आर्ट को अपनी शील्ड यूज करनी पड़ती है। सिल्फी का स्वर्ड पॉइजन की वजह से सभी स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं। तभी लेडी ओलिविया उन दोनों को रोकती है और सिल्फी को इतना एग्रेसिव होने पे डांटती है, जिस पे सिल्फी कहती है कि जो कुछ भी बर्वेतोस ने किया ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। आइरीना सिल्फी को डांटती है। सिल्फी को आइरीना बिल्कुल लिडिया जैसी लगती है और वो फौरन ही बच्चों की तरह रोने लगती है, जिससे आइरीना उसे प्यार करती है। एक सेकंड के लिए आर्ट को भी आइरीना बिल्कुल लिडिया जैसी लगी थी। अब कुछ समय बाद आर्ट अपनी क्लास में एक अनाउंसमेंट करता है कि इस साल बैटल इवेंट के साथ साथ एक शो भी दिखाया जाएगा, जिसमें डीमन लॉर्ड बर्वेतोस के एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे। वो उन्हें शो की डिटेल बता रहा था, तभी बाहर शोर की आवाज़ आती है। अब जैसे ही वो सब बाहर जाके देखते हैं तो सिल्फी कुछ लड़कों को डांट रही थी। वो आइरीना को बताती है कि ये स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जिस पर वो स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एक लो क्लास से ताल्लुक रखती हो और हम सिटी के नोबल्स हैं, जिस पर आइरीना उन स्टूडेंट्स को डांटती है। आर्ट उसे कहता है कि एक सेकंड को, मुझे भी अब इन स्टूडेंट्स पे गुस्सा आ रहा है। ये सुन के वो स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं। अब बाकी सभी स्टूडेंट्स क्लास में शो की तैयारी करने लगते हैं। आर्ट उन्हें बताता है कि मैं डीमन लॉर्ड बर्वेतोस का रोल प्ले करूंगा। सिल्फी कहती है कि आइरीना को बिग सिस्टर लिडिया का रोल करना चाहिए। आर्ट सबसे पूछता है कि इविल गॉड का रोल कौन प्ले करेगा, जिसके लिए कोई भी नहीं मान रहा था। आर्ट जानता था कि इविल गॉड से सभी नफरत करते हैं, मगर तभी इविल गॉड के रोल के लिए सिल्फी मान जाती है और आर्ट सोचता है कि ये हमेशा से ही ऐसी है। अब आर्ट और बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि वो फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तभी जेनी कैफे का आइडिया देती है।
जिसके लिए वो सभी अपने ड्रेसेस को भी डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ वो मास्क मैन एक मैजिक बॉल के जरिए सब देख रहा था। वो आर्ट और आइरीना की दोस्ती से जेलस था और इसीलिए उसने सिल्फी को वहाँ भेजा था ताकि वो आर्ट को तंग कर सके और उसका असल सच जान सके। अब फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स उस फेस्टिवल को काफी इंजॉय करते हैं। आर्ट और आइरीना एक स्टॉल पर आइसक्रीम खा रहे थे, तभी वहाँ एक धमाके की आवाज आती है। आर्ट सब स्टूडेंट्स के साथ जब वहाँ जाके देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सिल्फी थी, जिसने एक बूढ़े आदमी को डीमन समझ के अटैक किया था। वो बूढ़ा आदमी मुसलसल रो रहा था कि मैं एक डीमन नहीं हूँ। लेडी ओलिविया वहाँ आके सिल्फी को डांटती है और बताती है कि मुझे उसकी बनाई हुई फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है और ये वाकई एक डीमन नहीं है। लेडी ओलिविया सिल्फी को फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से रोक देती है, जिस पर आर्ट उसे क्लास में चलने को कहता है। लेडी ओलिविया आर्ट को बताती है कि तुम भी इस बैटल में परफॉर्म करोगे। आर्ट ये सुन के परेशान होता है क्योंकि लेडी ओलिविया ने उसका फॉर्म भी सबमिट करवा दिया था। वो कहती है कि अगर तुमने इस बैटल में परफॉर्म नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगी और तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी सबको बता दूंगी। सिल्फी क्लास में भी जाके सबसे लड़ रही थी और उसने बहुत सी चीजें भी तोड़ दी थी। आर्ट उन सभी चीजों को सेट करता है, तभी वहाँ जेनी आती है और आर्ट से कैफे में चलने को कहती है क्योंकि वहाँ और भी बहुत सी मेड्स मौजूद थी। अब जेनी और वो सभी मेड्स आर्ट को सर्व करना चाहती थी, जिस पर आइरीना को काफी गुस्सा आता है और वो उन सभी से लड़ने लगती है। आर्ट ये सब देख के परेशान होता है क्योंकि आइरीना अपने अलावा किसी भी मेड को उसे सर्व नहीं करने दे रही थी, जिस पर जेनी आइरीना को दोबारा से फाइट करने का कहती है। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि स्वर्ड बैटल इवेंट कल होगा और जो भी इस बैटल इवेंट में जीतेगा उसे लिडिया की स्वर्ड दी जाएगी। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं। सिल्फी चाहती थी कि वो भी इस बैटल में परफॉर्म करे क्योंकि आर्ट और आइरीना भी इस बैटल में परफॉर्म कर रहे थे। अब आर्ट और आइरीना ग्राउंड में चले जाते हैं क्योंकि वो उन तीन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आज इस बैटल इवेंट में परफॉर्म करना था। लेकिन सिल्फी भी उनके साथ जाती है क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती थी और अपना नाम ना सुनकर वो आइरीना के गले लग के रोने लगती है। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं कि तीसरे पार्टिसिपेंट का नाम भी बताया जाए और तीसरा पार्टिसिपेंट कोई और नहीं बल्कि लेडी ओलिविया थी। आइरीना और सिल्फी अपने ओपोनेंट से मैचेस जीत जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी ओलिविया भी अपने ओपोनेंट से जीत गई थी और आर्ट के पास अपने ओपोनेंट से हारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो हार गया तो सबको डाउट हो जाएगा, मगर आर्ट अपना मैच जीत जाता है। अब जेनी की बारी आती है और वो अपने ओपोनेंट से एक जबरदस्त फाइट करती है। उसका ओपोनेंट उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आर्ट की मोटिवेशन देने पे जेनी अपने ओपोनेंट पे अटैक करके उसे हरा देती है। अब आर्ट और लेडी ओलिविया के दरमियान होने वाली फाइट में आर्ट लेडी ओलिविया के अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन लेडी ओलिविया उसको टफ टाइम दे रही थी और उस पर मुसलसल अटैक्स कर रही थी। खुद को बचाने के लिए आर्ट अपनी मेगा वॉल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से लेडी ओलिविया आसमान में बहुत दूर चली जाती है और सभी आर्ट को मैजिक यूज करने पर चीटर कहते हैं। आर्ट को रियलाइज होता है कि उसे मैजिक यूज करने की इजाजत नहीं थी। अब आइरीना और जेनी के मैच में वो दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट करती हैं, लेकिन आइरीना के अटैक्स जेनी पे भारी पड़ते हैं और जेनी हार जाती है। आइरीना जेनी को कहती है कि मैं मैच जीत गई हूँ, जिसका मतलब है कि आर्ट मेरा है। ये सब कुछ एक टॉवर से मास्क मैन भी देख रहा था। वो सोचता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब मुझे अपना फाइनल अटैक कर देना चाहिए। अब अगले दिन वो सभी अपने शो को प्रेजेंट करते हैं। आर्ट को डीमन लॉर्ड वर्वेतोस का रोल प्ले करना कुछ अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ आइरीना भी काफी नर्वस थी, जिस पे आर्ट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम ये रोल अच्छे से प्ले करोगी। यहाँ भी सिल्फी को आइरीना बिल्कुल अपनी बड़ी बहन लिडिया जैसी लगती है। अब जब शो खत्म होता है तो सिल्फी को एक और लड़की बिल्कुल अपनी बहन लिडिया जैसी दिखती है। वो ये देखने के लिए उसके पास जाती है, मगर वो उसकी बहन लिडिया नहीं थी। तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है। अब थिएटर के बाहर आर्ट और जेनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जेनी हैरान थी कि आखिर सिल्फी कहाँ चली गई। तभी सिल्फी वहाँ आती है और आर्ट से स्वर्ड किंग ट्री के पास मिलने को कहती है। अब फाइनल मैच में सिल्फी आइरीना को टेलीपोर्ट होकर आसानी से हरा देती है। आर्ट को सिल्फी काफी अजीब लगती है। रात को आर्ट सिल्फी से मिलने के लिए स्वर्ड किंग ट्री के पास जाता है। आइरीना और जेनी भी एक ट्री के पीछे से ये सब देख रही थी। तभी सिल्फी आर्ट को बताती है कि वो उसे मारना चाहती है। दरअसल ये सब उस मास्क मैन का प्लान था, जिसने सिल्फी को ब्रेन वॉश किया था कि उसकी बड़ी बहन लिडिया को किसी और ने नहीं बल्कि आर्ट ने मारा है। वो मास्क मैन सिल्फी के जरिए आर्ट को मारना चाहता था। आर्ट और सिल्फी के दरमियान होने वाली फाइट में सिल्फी आर्ट पे भारी पड़ती है और उसे अटैक करके जमीन पे गिरा देती है। उसे लगता है कि उसने आर्ट को मार के अपनी बहन लिडिया का बदला ले लिया है। वो रोते हुए जमीन पे आ जाती है, लेकिन आइरीना को देख के उस पे भी अटैक करती है। आइरीना उसके अटैक से खुद को बचाती है। सिल्फी आइरीना और जेनी दोनों पे भारी पड़ रही थी। वो आइरीना को मारने ही लगती है। तभी वहाँ डीमन लॉर्ड वर्वेतोस आ जाता है, जिसको देख के सिल्फी काफी अग्रेसिव हो जाती है और उस पे अटैक करने लगती है। मगर डीमन लॉर्ड वर्वेतोस जान गया था कि सिल्फी अब पीछे नहीं हटेगी, इसलिए वो उसके सामने सरेंडर कर देता है। सिल्फी उसे मारने ही लगती है, तभी उसे लिडिया की स्वर्ड से आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ लिडिया नहीं बल्कि मास्क मैन था, जो उस पे अटैक करके उसे
दूर फेंकता है। डीमन लॉर्ड वर्वितोस समझ जाता है कि मास्क मैन ने ही सिल्फी का ब्रेन वॉश किया है। वो मास्क मैन सिल्फी की दोनों स्वर्ड से आर्ट पे अटैक करता है, लेकिन वो अटैक उसी पे हो जाता है। आर्ट मास्क मैन का वो हाथ काट देता है जिसमें उसने लिडिया की स्वर्ड पकड़ी हुई थी। तभी मास्क मैन आसमान में जाकर सिल्फी की स्वर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वर्ड उसके हाथ से गिर जाती है। आर्ट उस स्वर्ड को एक्टिवेट करके मास्क मैन पे फाइनल अटैक करता है, जिससे मास्क मैन की पूरी बॉडी जल जाती है और उसका मास्क जमीन पे गिर जाता है। तभी लिडिया की स्वर्ड सोल सिल्फी को फाइनल मैसेज देती है और उसे कहती है कि जो भी हुआ इसमें डीमन लॉर्ड वर्वितोस का कोई भी फॉल्ट नहीं। ये कह के उसकी स्वर्ड सोल स्वर्ड में वापस चली जाती है और इसके साथ ही एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि आर्ड, आइरीना और जेनी एक ट्रेन में कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो एक दूसरे के साथ कार्ड्स खेल रहे थे, मगर तभी उनके आसपास मौजूद सभी चीजें रुक जाती हैं, यानी टाइम फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस टाइम के फ्रीज होने का असर उन तीनों पे नहीं होता। अब वो तीनों ये सब कुछ देख के हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। मगर तभी वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक छोटा सा लड़का मिलता है जो बताता है कि वो एक डीमन किंग है। अब आर्ड अपने सामने एक और डीमन किंग को देख कर दिल ही दिल में सोचता है कि ये भी मेरी तरह डीमन किंग है। वो छोटा डीमन किंग आर्ड को वर्वितोस के बारे में बताता है, जिस पर आर्ड दिल ही दिल में हंसता है, क्योंकि वो छोटा डीमन किंग नहीं जानता था कि असल में वर्वितोस तो उसके सामने उस वक्त आर्ड की शक्ल में खड़ा है। छोटा डीमन किंग उन्हें बताता है कि उसने उन तीनों को क्यों बुलाया है। दरअसल वो उन तीनों के जरिए डीमन किंग वर्वितोस को मरवाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि असल में तो वर्वितोस उसके सामने खड़ा है। इसके बाद उन तीनों को एक और जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पहुँचने पर जब वो तीनों आसमान की तरफ देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में तो दो चांद हैं, जिस पर आर्ट जेनी और आइरीना को बताता है कि वो वक्त से पीछे आ गए हैं, यानी वो एक पुरानी दुनिया में खड़े हैं और ये डीमन किंग वर्वितोस का किंगडम है। दरअसल पुराने वक्त में दो चांद हुआ करते थे, मगर बाद में जाकर एक चांद किसी वजह से खत्म हो गया और उसके बाद सिर्फ एक ही चांद रह गया। अब ये सब देख के जेनी और आइरीना घबरा जाती हैं, मगर आर्ड उन्हें तसल्ली देता है और बताता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो सबसे पहले डीमन किंग वर्वितोस को अपना दोस्त बनाएगा और फिर धोखे से उसे मार देगा। ये सुन के आइरीना और जेनी शांत हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आर्ट पे पूरा भरोसा था। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। दरअसल वो लड़की एक बहुत बड़े बिच्छू से डर कर भाग रही थी। ये देखकर आर्ड उसकी मदद करने के लिए उस जगह पर जाता है और अपने खतरनाक मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके उस बिच्छू को बड़ी आसानी से फौरन मार देता है। दूसरी तरफ उसने अपनी मैजिकल शील्ड का इस्तेमाल करके उस लड़की को भी बचा लिया था। अब तभी वहां पर उस वक्त की लेडी ओलिविया आ जाती है और वो आर्ड का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वो लड़की लेडी ओलिविया की वर्कर थी। लेडी ओलिविया नहीं जानती थी कि वो उस वक्त वर्वितोस की न्यू फॉर्म आर्ट से बात कर रही है। उसी वक्त लेडी ओलिविया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन तीनों को बेहोश करने की कोशिश करती है, जिस पर आइरीना और जेनी तो आसानी से बेहोश हो जाती हैं, मगर आर्ट पे कोई असर नहीं होता। ये देखकर लेडी ओलिविया उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलती है। अब अगले दिन आइरीना और जेनी मेन मार्केट में उस वक्त के लोगों को देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह पुराने वक्त की दुनिया को देख सकेंगी। अब वो तीनों लेडी ओलिविया से मिलते हैं। लेडी ओलिविया आर्ड को उसकी सेना में शामिल होने को बोलती है, क्योंकि आर्ड ने बड़ी आसानी से उस बिच्छू को मार दिया था, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। ये सुनकर आर्ड फौरन ही लेडी ओलिविया की बात मान लेता है, क्योंकि इस तरह वो आसानी से डीमन किंग वर्वितोस तक पहुंच सकता था। मगर इसके लिए वो दो शर्तें रखता है। पहली शर्त ये थी कि वो आइरीना और जेनी को अपने साथ रखेगा और उनकी हिफाजत भी खुद ही करेगा, जिस पर लेडी ओलिविया मान जाती है। जबकि दूसरी शर्त पूछने पर आर्ट बताता है कि वो मैजिकल स्कॉलर वैरदा के अंडर काम करेगा। वैरदा दरअसल एक जादूगरनी का नाम था और उसकी रिसर्च लैब वॉर के वक्त सबसे ज्यादा मजबूत थी, और आर्ड ने भी इसी वजह से उसकी रिसर्च लैब को चुना था ताकि वो आइरीना और जेनी की अच्छे से हिफाजत कर सके। लेडी ओलिविया को समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी मैजिकल स्किल्स होने के बावजूद आर्ड वैरदा जैसी मामूली जादूगरनी के साथ क्यों काम करना चाहता है। मगर लेडी ओलिविया के पास आर्ड की कंडीशन को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी दूसरी कंडीशन भी आसानी से मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वैरदा रिसर्च लैब के बाहर पहुंच जाते हैं, मगर तभी वो रिसर्च लैब एक धमाके से तबाह हो जाती है। दरअसल ये सभी कुछ पहाड़ पर पत्थरों के पीछे छुपी उस जादूगरनी वैरदा ने किया था। ये सब कुछ उसने अपना मैजिक दिखाने के लिए किया था, और देखने में भी वो एक जादूगरनी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था।
जेनी और आइरीना उसे देखकर चौंक गई थी क्योंकि उनके पास वैरदा की जो तस्वीर थी वो असल में उससे काफी मुख्तलिफ दिखती थी। अब वैरदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके दोबारा से अपनी रिसर्च लैब को ठीक कर लेती है। इसके बाद वो उन्हें अपनी रिसर्च लैब के अंदर ले जाती है और उनसे पूछती है कि वो उसके अंडर काम क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उसके साथ तो कोई भी काम नहीं करता। जिस पर आर्ड उसे सारी बात बताता है। ये जानने पर कि आर्ड और वो दोनों लड़कियां फ्यूचर से आई हैं, वो खुशी से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि आर्ड उसके साथ क्यों काम करना चाहता है। दरअसल वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन तीनों को वापस उनकी दुनिया में भेज सकती थी, मगर वो सबके लिए एक शर्त रखती है। अब वो अपनी शर्त बताने ही लगती है कि तभी वहाँ पर सिल्फी आ जाती है जो वैरदा पे अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, मगर वैरदा तो उसके हाथ में ही नहीं आ रही थी। ये देखकर सिल्फी को गुस्सा आता है और वो लिडिया को वहाँ बुला लेती है। अब लिडिया को देख के आर्ड एकदम से चौंक जाता है, मगर लिडिया फ्यूचर से आए आर्ड को बिल्कुल नहीं पहचान पाती और वैरदा को मारने लगती है। दरअसल उसने वैरदा से अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कुछ सोल्जर्स मांगे थे, मगर वैरदा लिडिया को वो सोल्जर्स देने में नाकाम हो गई थी, जिस पर लिडिया अब सजा के तौर पर उससे और ज्यादा बंदे मांगती है। ये देखकर वैरदा अभी थोड़ी देर पहले आए आर्ड, जेनी और आइरीना को लिडिया की फोर्स में शामिल होने को बोलती है, मगर लिडिया तो जेनी को पहली नजर में देखने पे ही उसकी फैन हो गई थी और उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो फौरन से आगे बढ़कर जेनी की तारीफ करती है। ये देख के आर्ड उन दोनों के दरमियान आ जाता है, जिस पर लिडिया को आर्ड पे काफी गुस्सा आता है। दरअसल आर्ड नहीं चाहता था कि जेनी वहाँ पर किसी से भी दोस्ती करे। अब लिडिया आर्ड को एक फाइट चैलेंज करती है, जिसे आर्ड एक्सेप्ट कर लेता है और आइरीना और जेनी को वहीं रुकने का बोलकर वो लिडिया के साथ बाहर एक मैदान में आ जाता है, जहाँ लिडिया उस पर मुसलसल हमले किए जा रही थी, मगर आर्ड पर उन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी लिडिया एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है और जमीन से मट्टी उठाकर आर्ड की आंखों में फेंक देती है, जिससे अब आर्ड को कुछ नजर नहीं आ रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर लिडिया उसे इतनी जोर से किक मारती है कि वो दूर एक पहाड़ के साथ जा लगता है। दरअसल लिडिया की बहादुरी की वजह से ही वो डीमन किंग वर्वितोस, जो कि अब आर्ड था, को पसंद थी। अब अपनी ये हालत देखकर आर्ड लिडिया पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है, मगर लिडिया दोबारा से उसे पंच मारकर आसमान की तरफ फेंकती है। अब आर्ड एक खतरनाक मूव का इस्तेमाल करके लिडिया पे ही अटैक कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ने लगते हैं और एक साथ ही एक दूसरे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जो कि दोनों के लिए ही काफी दर्द देने वाला था। अब दोपहर से शाम हो जाती है इसी तरह लड़ते लड़ते, इसलिए अब वो दोनों थक कर जमीन पर लेट गए थे। लिडिया वर्वितोस यानी आर्ड से कहती है कि तुम में तो कुछ ज्यादा ही दम है, जिस पे आर्ड उसे कहता है कि तुम काफी कमजोर हो गई हो, तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब आर्ड वहाँ से उठ के जाने लगता है, जिस पे लिडिया उसे रोकती है और पूछती है कि इतनी ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी तुम वैरदा की फोर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें तो मेरी फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि तुम जैसे लोगों की फ्रंट लाइन पे ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर आर्ड उसकी बात मान जाता है, मगर यहाँ भी वो अपनी वही कंडीशन बताता है, यानी वो डीमन किंग वर्वितोस से मिलना चाहता है, जिस पर लिडिया मान जाती है। उसे बताती है कि उसके लिए तुम्हें पहले किंग का भरोसा जीतना होगा और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो फिर तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं होगी। इसके बाद वो वहाँ से जाते समय आर्ट के सर पे हाथ फेर के जाती है, जिससे आर्ट को दोबारा से उस पर क्रश होने लगता है। अब रात को आर्ड अपने कमरे में कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लातीमा था। वो आर्ड को बताती है कि लिडिया चाहती है कि आइरीन और जेनी के साथ वो उसी जगह पे रुके। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिस पर आर्ड सोचता है कि लिडिया कितनी अच्छी है, उसने खामखा पिछले जन्म में उसके साथ इतना बुरा किया। अब हम आर्ड, आइरीना और जेनी को जंग के दौरान रेस्क्यू टीम के साथ देखते हैं। अब इस तरह बैटलफील्ड में खड़े होकर आइरीना काफी डर रही थी, मगर उसे आर्ड तसल्ली देता है और बताता है कि वो इस वक्त रेस्क्यू टीम के साथ हैं और यहाँ पर उन पर अटैक होने के चांसेस बहुत कम है। फिर वो अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह उन्होंने ये जंग जीत ली थी। दरअसल लिडिया एक एक करके सभी डीमंस को मार रही थी और उसकी फोर्स काफी ताकतवर थी। सिल्फी भी दुश्मनों को मारने में सबसे आगे थी। दूसरी तरफ आर्ड, जेनी और आइरीना जख्मियों की मदद करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर अचानक से हमला हो जाता है। आर्ड के मुताबिक वो धमाका उनके दुश्मन आर्मी ने किया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो धमाका किसी आम सोल्जर ने नहीं बल्कि उनकी दुश्मन आर्मी के कमांडर बलगान ने किया है। बलगान आर्ड की सारी आर्मी को मारकर अब उससे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आर्ड ही असल में डीमन किंग वर्वितोस है।
अब आर्ड अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बलगान को बड़ी आसानी से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ लिडिया जो दुश्मन के अड्डे पर पहुंच चुकी थी मगर वो ये देख के हैरान थी कि अभी तक उस पर किसी ने अटैक क्यों नहीं किया। तभी एक सैनिक वहां आकर लिडिया को बताता है कि बलगान ने अपनी आर्मी के साथ उनकी रेस्क्यू टीम पे हमला कर दिया है। ये सुनकर लिडिया और सिल्फी परेशान हो जाती हैं और फौरन से आर्ट के पास पहुंच जाती हैं। मगर आगे तो आर्ट बलगान का किस्सा ही खत्म कर चुका था। अब ये देख के लिडिया आर्ट की काफी तारीफ करती है क्योंकि वो बलगान को मारने के लिए एक हफ्ते से कोशिश कर रहे थे मगर आर्ट ने उसे काफी आसानी से अपना निशाना बना लिया था। अब लिडिया आर्ट को बताती है कि वो उसे डीमन किंग वर्वतोस से मिलाएगी। ये सुनके आर्ट तो काफी खुश होता है मगर जेनी और आइरीना घबराने लग जाती हैं क्योंकि असल कहानी तो वो ही जानती थी ना कि वो तीनों डीमन किंग वर्वतोस से क्यों मिलना चाहते हैं। इसके बाद लिडिया उन तीनों को किंग के महल की तरफ लेकर जाने लगती है। आइरीना और जेनी डीमन किंग वर्वतोस के महल को देखकर उसकी तारीफ करती हैं जिस पे आर्ट दिल ही दिल में खुश होता है। अब वो महल की लॉबी से गुजर ही रहे थे कि तभी उन पर अरबातो नामी एक बंदा हमला करता है मगर आर्ट प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करके सबको बचा लेता है जिस पर अरबातो उसकी तारीफ करता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि क्या आर्ट असल में भी इतना ताकतवर है जितना उसने उसके बारे में सुन रखा है। लेकिन अब आर्ट की ताकत को देख के वो उससे इम्प्रेस हो गया था क्योंकि आर्ड ने फौरन ही उसके हमले को रोक दिया था। इसके बाद वहाँ पर उस शख्स की एंट्री होती है जिसे आप सब डीमन किंग वर्वतोस के नाम से जानते हैं और जो अपने समय का सबसे ताकतवर किंग था जिसे देख के जेनी तो बेहोश ही होने लगी थी। तभी किंग अरबातो को थोड़ी देर पहले वो सब करने पे डांटता है और वहाँ से चले जाने को बोलता है जिस पर अरबातो तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डीमन किंग वर्वतोस उन सभी को अपने कमरे में ले आता है। अब जब वो अपने तख्त पे बैठ जाता है तो आसपास मौजूद उसके नौकर उसके लिए मुख्तलिफ खाने पीने की चीजें लेके आते हैं मगर डीमन किंग को उस वक्त उन सभी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जेनी और आइरीना उसे डीमन किंग कह के उसकी तारीफ करने लगती हैं जिस पर वो हैरान होता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि डीमन किंग किसे कहा जाता है। आर्ड उसको बताता है कि आपकी किंगडम के सभी लोग आपको डीमन किंग कह के पुकारते हैं जिस पर वर्वतोस कहता है कि हाँ मैंने भी एक डीमन किंग के बारे में सुना है। ये सुन के आर्ट हैरान हो जाता है क्योंकि अपने समय पे उसे नहीं मालूम था कि उसके अलावा भी कोई डीमन किंग मौजूद है। इसके बाद वर्वतोस आर्ट से पूछता है कि क्या उसके किंगडम के सभी लोग उसे डीमन किंग कह के पुकारते हैं। अब ये सुन के आर्ट डीमन किंग से माफी मांगता है और कहता है कि शायद उन्हें इस सब को समझने में गलती हो गई। आर्ड ने ये सब कुछ इसलिए किया कि अगर वो डीमन किंग को इस सब के बारे में और बताता तो शायद डीमन किंग उसकी किसी बात का बुरा मना जाता और इस तरह आर्ड अपने असल मकसद से दूर हो जाता। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आर्ड जेनी और आइरीना वेर्दा के पास बैठे हुए हैं। आर्ड वेर्दा से पूछता है कि क्या डीमन किंग वर्वतोस के अलावा भी कोई और डीमन किंग मौजूद है जिसपे वेर्दा उसे बताती है कि तुम लोग एक अलग प्लेनेट से आए हो और हो सकता है कि तुम्हारी हिस्ट्री में और हमारी हिस्ट्री में फर्क हो क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री के मुताबिक एक ही डीमन किंग है। जिस पर आर्ड उस छोटे डीमन किंग के बारे में सोचने लगता है जिसने उसे इस प्लेनेट पर डीमन किंग को मारने के लिए भेजा था। आर्ड वेर्दा को बताता है कि ये खोजना जरूरी है कि डीमन किंग वर्वतोस के अलावा दूसरा डीमन किंग कौन है। जेनी का ख्याल था कि अगर वो उस डीमन किंग को ढूंढ लेंगे तो वो अपने टाइम में वापस जा सकते हैं जिस पे आइरीना कहती है कि इस सब के लिए उन्हें डीमन किंग वर्वतोस की मदद की जरूरत होगी। वेर्दा उन्हें बताती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जब 3 साल पहले एक शख्स उनके किंगडम में आया था तो डीमन किंग वर्वतोस ने उसे हराने की बहुत कोशिश की थी मगर वो उससे हार गया था और शायद वो वही डीमन किंग था जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। इसलिए वर्वतोस तुम लोगों की मदद नहीं करेगा मगर आर्ट का कहना था कि उन्हें हर सूरत वर्वतोस की मदद चाहिए ही होगी। इस पर जेनी आर्ट से कहती है कि उन्हें डीमन किंग वर्वतोस को सब सच बता देना चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि ये सभी कुछ हम तीनों अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कर रहे हैं जिस पे आर्ट का कहना था कि इसके लिए उन्हें वर्वतोस का भरोसा जीतना होगा और ये काम वो उसके दुश्मनों को हरा कर आसानी से कर सकते हैं। तभी वहाँ पर लिडिया आ जाती है और आर्ट को अपने साथ चलने को बोलती है। ये देख के आर्ट मुस्कुरा जाता है और लिडिया के साथ बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि लिडिया आर्ट और सिल्फी अपने सेना के साथ एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ते हुए लिडिया मुसलसल ये सोचे जा रही थी कि आर्ट उसके एक मर्तबा बुलाने पर कैसे आ गया। वो समझ गई थी कि आर्ट वर्वतोस को इम्प्रेस करना चाहता है और इसीलिए वो उनके साथ आ गया मगर आर्ट अभी किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था इसलिए वो चुपचाप लिडिया और उसके सेना के साथ पहाड़ पे चढ़ रहा था। अब आर्ट लिडिया से पूछता है कि आखिर वो सब किधर जा रहे हैं जिस पर लिडिया उसे बताती है कि वो कर्स्ड किंग मेलविस से मिलने जा रहे हैं। अब ये सुन के तो आर्ट एकदम चौंक ही जाता है क्योंकि मेलविस एक काफी ताकतवर किंग था।
सिल्फी उसे बताती है कि डीमंस की पावर रैंकिंग में मेलविस सबसे ऊपर है। दरअसल मेलविस की वजह से ही आर्ड ने अपने पिछले जन्म में लिडिया की जान ली थी, क्योंकि मेलविस ने लिडिया पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे अपने काबू में कर लिया था और इसी कारण आर्ड को उसकी जान लेनी पड़ी थी और यही वजह थी कि अब वो लिडिया के मुंह से मेलविस का नाम सुनकर चौंक गया था। इसके बाद वो सभी मेलविस के महल पहुंच जाते हैं, जहां पर ढांचों की एक बहुत बड़ी फौज उनका इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि सिल्फी और उसकी सेना ढांचों का मुकाबला करती, आर्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको तुरंत ही वहां से गायब कर देता है। अब ये देख के लिडिया आर्ड के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, जिसपे आर्ड दिल ही दिल में सोचता है कि इस बार वो मेलविस को वो सब नहीं करने देगा जो उसने पिछले जन्म में किया था और इस तरह वो लिडिया को बचा लेगा। इसके बाद वो सभी महल के अंदर जाने लगते हैं, तभी उन्हें वहां से लोगों के जलने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में वो मेलविस की डीमन आर्मी थी जो कि अब आग में जल रही थी। इससे पहले कि वो ये सब समझ पाते, तभी वहाँ पर मेलविस का सर आकर गिरता है। ये देखकर लिडिया, सिल्फी और आर्ड हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उनके आने से पहले ये सब किसने किया। तभी वहाँ पर वो शख्स आता है जिसने मेलविस की जान ली थी। आर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं वही हूँ जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। मैं डीमन किंग हूँ और मैं यहाँ पर वर्वितोस को मारने आया हूँ ताकि मैं सारी दुनिया को खत्म कर सकूँ, जिस पर लिडिया उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब महल वापस आने पर वो सभी डीमन किंग वर्वितोस से मिलने जाते हैं, जहाँ पर ओलिविया और बाकी सभी जनरल्स डीमन किंग वर्वितोस के पास बैठे हुए थे ताकि वो उस दूसरे डीमन किंग को हराने की प्लानिंग कर सकें। मगर आर, जेनी और आइरीना की दूसरी दुनिया से होने की वजह से कुछ जनरल्स नहीं चाहते थे कि वो इस मीटिंग में बैठे। मगर डीमन किंग वर्वितोस कहता है कि आर ने हमारी काफी मदद की है, इसलिए जरूरी है कि वो इस आने वाली जंग की प्लानिंग में शामिल हो। साथ ही साथ डीमन किंग वर्वितोस वहाँ मौजूद सभी जनरल्स और कमांडर्स को बताता है कि उन्हें उस दूसरे डीमन को मारने की प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वो यह जंग जीत लेंगे। वो उनको बताता है कि इस जंग में वो खुद भी हिस्सा लेगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी कमांडर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो सभी इस जंग को लड़ेंगे तो अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। अब ये सुन के आर्ड वर्वितोस से कहता है कि वो दूसरा डीमन किंग तो कभी नहीं मर सकता, जिसपे वर्वितोस कहता है कि मैं उसका एक सीक्रेट जानता हूँ और उसके लिए हमें सबसे पहले उसका महल तबाह करना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्ड अपने कमरे में मौजूद है। वो वहाँ आई लातिमा से लिडिया के बारे में पूछता है तो लातिमा उसे बताती है कि लिडिया अपनी फोर्स को जंग का बताने गई है, क्योंकि उसकी फोर्स वर्वितोस की फोर्स से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसके बाद लातिमा वहाँ से चली जाती है तो आर्ड वहाँ बैठ के सोचने लगता है कि उसने लिडिया को तो बचा लिया, लेकिन वो इस दूसरे डीमन किंग का क्या करे। तभी वहाँ पर वो डीमन किंग आ जाता है, जो आर्ड से कहता है कि तुमने लिडिया को बचाया मगर उसका मरना तय है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उसको बचा सकते हैं। अब साथ ही वो कुछ अजीब बातें करने लगता है। उसकी बातों से लगता था कि वो जानता है कि उसके सामने खड़ा आर्ड ही असल में वर्वितोस है। वो आर्ड को बताता है कि आर्ड और वो एक ही हैं। अब ये सुनकर आर्ड को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो दूसरा डीमन किंग अपना हेलमेट उतारता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आर्ड का ही एक दूसरा वर्जन है और वो दूसरे प्लेनेट से आया है। अब ये देखकर तो आर्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। थोड़ा समय गुजरने के बाद उस दूसरे डीमन किंग से आर्ड पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो वो उसे बताता है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम यहाँ पर आए हो, मुझे भी उस छोटे डीमन किंग ने यहाँ एक मिशन के लिए भेजा है, मगर मैं यहाँ सिर्फ लिडिया को बचाने आया हूँ और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो तुम भी यही चाहते हो, इसलिए अगर तुम लिडिया को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। जिसपे आर्ड उससे दो सवाल पूछता है और अगर उसने उन दोनों सवालों के जवाब दे दिए तो वो उसे ज्वाइन कर लेगा। पहला सवाल ये था कि क्या उसने सभी के बारे में डीमन किंग वर्वितोस को बताया है, जिस पर वो दूसरा डीमन किंग बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। अब आर्ड दूसरे सवाल में उससे पूछता है कि उसने टेलीपोर्ट होते समय उसी वक्त के डीमन किंग वर्वितोस के खिलाफ लड़ने का क्यों सोचा, जिस पर वो डीमन किंग उसे बताता है कि ये मैंने डिसाइड नहीं किया बल्कि मुझे तो यहाँ भेजा गया है, और क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जिस पर आर्ड उससे वजह पूछता है तो दूसरा डीमन किंग उसे बताता है कि उसे इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए यहाँ भेजा गया है। अब ये सुनकर तो आर्ड एकदम चौंक जाता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया को खत्म करना और लिडिया को मारना दोनों अलग अलग बातें थी और वो दूसरा डीमन किंग ये सब क्यों कर रहा था। जिस पर वो दूसरा डीमन किंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम लिडिया की जान नहीं बचाना चाहते, अगर बचाना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो। जिसपे आर्ट चुप हो जाता है। अब ये देख के उस दूसरे डीमन किंग को गुस्सा आता है और वो आर्ट पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे लिडिया को मारकर बहुत बुरा लगा था,
इसके बाद अगले जन्म में भी इसी सब के बारे में सोचता रहता था और इसीलिए मुझे दोबारा से अपने पिछले जन्म में भेजा गया है ताकि मैं लिडिया को बचा सकूं और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अब ये सुन के आर्ड उससे हाथ मिलाने ही लगता है कि उसे जेनी और आइरीना का ख्याल आता है और साथ ही साथ उसे लिडिया की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये देखकर वो दूसरा डीमन किंग आर्ड को 3 दिन का टाइम देता है और फाइनल जंग शुरू होने से पहले पहाड़ के पीछे मिलने को बोलता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लातिमा आर्ड को लंच के लिए ले जा रही थी, तभी आर्ड लातिमा से पूछता है कि अगर उसे लिडिया के लिए अपनी जान देनी पड़े तो वो क्या करेगी, खुद को बचाएगी या लिडिया की जान ले लेगी। तो लातिमा उसे बताती है कि वो लिडिया के साथ काफी समय से है, इसलिए वो लिडिया के लिए अपनी जान दे देगी। अब हम देखते हैं कि लंच के दौरान भी आर्ड का मूड काफी ऑफ था। ये देखकर लिडिया उसे अपने साथ मार्केट चलने को बोलती है और वहाँ पर जाकर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जिस पर आर्ड उसे बेवकूफ कह के बुलाता है। तो लिडिया को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। अब जब वो फाइट करके थक जाते हैं तो वो वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी कुछ लिडिया ने जानबूझकर आर्ड का मूड ठीक करने के लिए किया था। अब आर्ड उससे पूछता है कि जब आपको किसी अपने की जान बचानी हो और उसके लिए आपको पूरी दुनिया तबाह करने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जिसका जवाब देने के लिए लिडिया उसे एक सुनसान सी जगह पे ले जाती है। अब उस जगह पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उस जमीन से बहुत से डीमन सोल्स बाहर आकर लिडिया को बुरा भला कह रहे हैं। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था, लेकिन लिडिया ने उस गांव और वहाँ पे रहने वाले सभी परिवारों को मार दिया था। दरअसल वो एक डीमंस का गांव था और वो सभी आपस में बहुत खुशी से रहा करते थे, मगर एक दिन उन्होंने इंसानों पर हमला कर दिया और इसी कारण इंसानों को बचाने की खातिर लिडिया ने उनका पूरा गाँव खत्म कर दिया। ये सोचकर लिडिया को काफी दुख होता है क्योंकि उस गांव में बच्चे बूढ़े सभी मौजूद थे और उन सभी को लिडिया ने मार दिया था। अब तभी लिडिया आर्ड को बताती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो किस तरह मरना पसंद करेगी। दरअसल वो लड़ाई के दौरान लड़ते लड़ते मरना चाहती है और वो आर्ड से भी वादा लेती है कि जब उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो वो उसे नहीं बचाएगा। अब ये सुन के आर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद अब सभी लिडिया के घर आ जाते हैं। ये देखकर जेनी और आइरीना आर्ड से काफी नाराज होती हैं कि वो अकेले ही लिडिया के साथ बाहर गया हुआ था, तो लिडिया उन्हें मनाने के लिए एक एक गोल्डन क्लिप उन दोनों को दे देती है। ये देखकर वहाँ खड़ी सिल्फी लिडिया से नाराज होने लगती है, तो लिडिया उसे मनाते हुए बोलती है कि तुम तो मेरी छोटी बहन हो। इसके बाद वो आर्ड को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बर्बतोस की सेना डीमंस के साथ लड़ रही है। वेरदा भी एक बड़े से रोबोट का इस्तेमाल करके अपने सामने आए हर डीमन को कुचल रही है। दूसरी तरफ अरवातो भी एक खतरनाक मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो मैजिक स्पेल इतना खतरनाक था कि उससे उसकी अपनी फोर्स की जान भी जा सकती थी। ये देखते हुए डीमन किंग बर्बतोस हेल गेट्स ओपन कर देता है, जिससे वो सभी डीमंस मर जाते हैं। लेकिन डीमन किंग बर्बतोस ये सोच के परेशान था कि उन डीमंस को मारने के बावजूद भी वो खत्म नहीं हो रहे और उनके मसले बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि बर्बतोस की फोर्स की तादाद कम थी। दूसरी तरफ लड़ते लड़ते लिडिया को कुछ महसूस होता है तो वो सेल्फी को आगे संभालने का बोल के वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्ट पहाड़ी के पीछे डीमन किंग से मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि वो उसके प्लान में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि लिडिया ने उसे बता दिया था कि वो किस तरह मरना चाहती है। ये सुनकर डीमन किंग को आर्ट पे काफी गुस्सा आता है और वो उस पे अटैक कर देता है, जिससे आर्ट खुद को बचा लेता है और अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके डीमन किंग पे अटैक करता है। मगर वो डीमन किंग भी काफी ताकतवर था और इसी कारण वो खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है। इसके बाद आर्ड उस डीमन किंग को शीशे की बनी एक बॉल में कैद करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब ये देखकर वो दूसरा डीमन किंग आर्ड से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम ये भी नहीं समझ सके कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब ये सुन के आर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि वाकई में वो नहीं जानता था कि वो उस डीमन किंग के ट्रैप में फंस चुका है, जिस पर वो डीमन किंग अपने मैजिक के जरिए उसे दिखाता है कि लातिमा महल में मौजूद आइरीना और जेनी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उन दोनों को आर्ड ने बैटलफील्ड में बुलाया है, क्योंकि वो दोनों आर्ड को ज्वाइन ना करने पे काफी उदास थी। लातिमा की ये बात सुनकर वो खुशी खुशी उसके साथ जाने लगती हैं। जंगल में से गुजरते हुए लातिमा उन्हें बताती है कि उस दूसरे डीमन किंग ने अपनी सोल को बॉडी से अलग कर दिया है और इसी कारण अब उसे कोई भी नहीं मार सकता। ये सुनकर आइरीना और जेनी समझ गई थी कि आर्ड ने उन्हें क्यों बुलाया है। दरअसल वो जानती थी कि उस दूसरे डीमन किंग ने अपनी सोल को कहीं आसपास ही छुपाया होगा और अगर उसकी सोल को तबाह कर दिया जाए तो वो दूसरा डीमन किंग खुद ब खुद मर जाएगा। अब लातिमा उन्हें बताती है कि आर्ड ने उस दूसरे डीमन किंग के महल की तरफ एक खोज लगाई है और वो उन्हें उस रास्ते से ले जा सकती है, मगर तभी वहाँ पर डीमंस हमला कर देते हैं।
तो लातिमा उनसे लड़ने लगती है और आयरीन और जेनी को उस दूसरे डीमन किंग के महल की तरफ जाने को बोलती है, जिस पर आयरीन और जेनी लातिमा को पीछे छोड़कर उस दूसरे डीमन किंग के महल पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो उस क्रिस्टल को ढूंढ लेती हैं जिसमें उस दूसरे डीमन किंग ने अपनी सोल को छुपा रखा था। अब जैसे ही वो उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उनके पांव के नीचे एक सर्कल एक्टिवेट होता है और तभी वो दोनों हवा में एक लकड़ी पे लटक जाती हैं। दरअसल ये सभी कुछ उस दूसरे डीमन किंग के कहने पे लातिमा ने ही उनके साथ किया था, और वो ये सब कुछ आर्ड को भी दिखाता है कि किस तरह उसने उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसा लिया है। वो आर्ड से पूछता है कि क्या इस सब के बाद भी तुम मेरे प्लान में शामिल नहीं होगे, तो आर्ड उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ठीक उसी की तरह उस दूसरे डीमन किंग ने भी आयरीन और जेनी के साथ काफी वक्त गुजारा है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता। ये सुनकर उस दूसरे डीमन किंग को गुस्सा आता है, मगर वो आर्ट को बताता है कि अब से कुछ देर बाद जब लिडिया और उसकी सेना महल पहुंचेगी तो वो जेनी और आयरीना के साथ क्या करेंगी, ये तुम भी जानते हो। अब ये देख के आर्ट थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसे अब सब समझ आने लगा था कि ये सभी कुछ शुरू से ही उस दूसरे डीमन किंग का प्लान था। उसको यहाँ पर बुलाना, उस क्रिस्टल को महल में छोड़ना और फिर लातिमा के जरिए जेनी और आयरीना को वहाँ भेजना। अब ये सब सुन के वो दूसरा डीमन किंग भी आर्ट से एग्री करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में जेनी और आयरीना लातिमा से ये सब करने की वजह पूछती हैं, तो लातिमा उन्हें बताती है कि ये सभी कुछ उसने लिडिया को बचाने की खातिर किया है और अब वो उस दूसरे डीमन के साथ हाथ मिला चुकी है। जैसा कि उसने आर्ट को बताया था कि वो लिडिया की जान बचाने के लिए खुद की जान भी दे सकती है, मगर जेनी और आयरीना अपने सर्कल मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को छुड़वा लेती है। लेकिन सभी से लातिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ बहुत से डीमंस को बुला लेती है। अब इससे पहले कि वो डीमंस जेनी और आयरीना से लड़ते, वहाँ पे लिडिया आ जाती है। जेनी और आयरीना लिडिया को इस तरह अपने सामने देख के हैरान थी। उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारी लोकेशन का कैसे पता चला, तो लिडिया उनके हेयर क्लिप्स की तरफ इशारा करके बताती है कि इनके जरिए मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की है। साथ ही साथ लिडिया को अब लातिमा की धोखेबाजी का भी पता चल गया था, मगर लातिमा ने तो ये सभी कुछ अपने मास्टर को बचाने के लिए किया था। लेकिन लिडिया एक एक करके वहाँ मौजूद सभी डीमंस को मार देती है और साथ ही साथ उस क्रिस्टल को भी तोड़ देती है जिसमें उस दूसरे डीमन किंग की सोल कैद थी। अब उस क्रिस्टल के टूटते ही उस डीमन किंग को एक जोरदार झटका लगता है, मगर वो झटका दूसरी तरफ डीमन किंग वर्बेतोस को भी लगता है। ऐसा क्यों हुआ ये तो हमें बाद में जाके पता चलेगा। दूसरी तरफ वो दूसरा डीमन किंग आर्ट को अपने साथ शामिल होने को बोलता है, जिस पर आर्ट दोबारा से इनकार कर देता है। वो उस दूसरे डीमन किंग से पूछता है कि क्या तुम ये सभी कुछ सिर्फ लिडिया को बचाने की खातिर कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई और मकसद भी है। ये सुनकर उस दूसरे डीमन किंग के चेहरे से साफ पता चलने लगता है कि वो झूठ बोल रहा था, जिस पर आर्ट को भी कंफर्म हो गया था कि डीमन किंग ये सभी कुछ सिर्फ इस गिल्ड से बचने के लिए कर रहा है जो उसे लिडिया को मारने पर हुआ था। ये सुनकर वो दूसरा डीमन किंग भी उससे एग्री करता है। अब साथ ही साथ वो दोनों अपने असल डीमन फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अब उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होने वाली थी। उस फाइट के शुरू होने से पहले हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार लिडिया और डीमन किंग के दरमियान इस बात पे बहस हुई थी कि डीमन किंग वर्वेतोस अपनी जमीन को डीमंस के साथ शेयर करना चाहता है, मगर लिडिया ऐसा नहीं चाहती थी, जिस पर डीमन किंग वर्वेतोस उसे अकेले ही लड़ने को बोलता है और कहता है कि मैं इस फाइट में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये सुनकर लिडिया उदास हो जाती है। अब लिडिया को इस तरह उदास देख के वर्वेतोस भी खुश नहीं था, मगर अब वो फैसला कर चुका था। दरअसल यहाँ पर उसी डीमन गांव के बारे में बात हो रही थी जिसे लिडिया ने अपनी सेना के साथ मिलकर खत्म कर दिया था। अब वापस प्रेजेंट में डीमन किंग और आर्ट के दरमियान होने वाली फाइट में वो दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। आर्ट देखता है कि वहाँ पर लिडिया आ जाती है जो डीमन किंग की स्वर्ड को पकड़ लेती है। यह देख के आर्ट को एहसास होता है कि अगर वो उस दूसरे डीमन किंग की स्वर्ड को तोड़ देगा तो उससे वो दूसरा डीमन किंग कमजोर हो जाएगा, और आर्ट का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। डीमन किंग की स्वर्ड तोड़ने पर अब दूसरा डीमन किंग अपने घुटनों पर बैठ चुका था, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता और आंता और आर्ट को अपने साथ शामिल होने को बोलता है और उसको लिडिया के साथ गुजारा हुआ टाइम याद करने को बोलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि उन दोनों ने पास्ट में एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मगर आर्ट अब भी डीमन किंग के साथ मिलने पर राजी नहीं था। दरअसल डीमन किंग का एक वर्जन लिडिया को बचाना चाहता था और दूसरा वर्जन लिडिया के इस फैसले की रिस्पेक्ट कर रहा था जो लिडिया ने आर्ट को बताया था। साथ ही साथ आर्ट ये भी जानता था कि अगर वो डीमन किंग के साथ मिल गया तो लिडिया को बचाने की खातिर उसे पूरी दुनिया को तबाह करना होगा, इसलिए वो उस दूसरे डीमन किंग पे हमला करके उसे मार देता है। मगर वो डीमन किंग मरने से पहले आर्ट को कहता है कि तुम अपने किए हुए फैसले पे बहुत पछताओगे, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें लिडिया को मारना ही होगा।
इसके साथ ही डीमन किंग हवा में गायब हो जाता है, मगर इसके साथ ही आर्ड, जेनी और आइरीना भी वहाँ से गायब होने लगते हैं। दरअसल वो अपने टाइम में अब वापस जाने लगते हैं। ये देखकर लीडिया समझ गई थी कि वो तीनों फ्यूचर से आए हैं। अब लीडिया जेनी और आइरीना से उनके फ्यूचर की दुनिया के बारे में पूछती है, जिसपे जेनी और आइरीना उसे बताती हैं कि उनके फ्यूचर की दुनिया काफी शांत है क्योंकि वहाँ पर कोई डीमन नहीं है। ये सुनकर लीडिया काफी खुश होती है। वो उन दोनों को आर्ड के लिए एक पैगाम भी देती है। दूसरी तरफ डीमन किंग वर्वतोस को भी पता चल गया था कि वो दूसरा डीमन किंग खत्म हो गया है और ये सभी कुछ आर्ड, जेनी और आइरीना ने किया है। ये देखते हुए वो ऐलान करता है कि ये जंग खत्म हो गई है, जिस पर उसकी सेना और उसके किंगडम के लोग काफी खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्ड वापस टेलीपोर्ट होकर उस छोटे डीमन किंग के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो छोटा डीमन किंग उसे कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। अब आर्ड उससे कहता है कि वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेगा, मगर दूसरी तरफ वो छोटा डीमन किंग भी आर्ड से कभी नहीं मिलना चाहता था। इसके बाद अब वो तीनों प्रेजेंट में उसी ट्रेन में आ गए थे जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुए थे। अब वहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल था। आसपास मौजूद लोगों के लिए वो सोए हुए थे, मगर असल में तो वो पास्ट को चेंज करके आ गए थे। दरअसल वो सभी उस डीमन गांव पहुंच गए थे जिसे लिडिया ने तबाह किया था। वहाँ पर आइरीना आर्ड को लिडिया का पैगाम देती है, जिसमें लिडिया ने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, जिसका मतलब था कि लिडिया जानती थी कि आर्ड डीमन किंग वर्वतोस का नया वर्जन है। तभी आर्ड को लिडिया की सोल दिखाई देती है, जो उसे पीछे से पुश करती है और कहती है कि उसे आगे चल के अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। और इसके साथ ही एनिमे का ये सीजन यहीं पे खत्म होता है।